ऐसा स्कैम हो गया गाइस। ना चाहते हैं कि अगर आप लोग कोई भी काम करते हो इसको लेने के लिए गए तो आज तक चाय कभी नहीं पी है। हेलो गाइस, नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए दिन की शुरुआत में। तो अभी सुबह सुबह हम है किचन में, कुकर का आवाज से पता नहीं था आवाज जा रहा होगा कि नहीं। बाकी हम गए थे किचन में अपने लिए नॉर्मल सा पानी गर्म करने के लिए। हमको दिखा तुलसी का पत्ता तो सोचे कि चलो काढ़ा बना लेते। गला का ऐसे ही बैंड बजा हुआ है, उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दिया क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि अजवाइन से बेटर गर्मी के दिन में ना सौंफ होगा। तो हम सोचे कि चलो सौंफ भी ऐड कर ही देते। वैसे तो सौंफ पानी अलग से पीना होता है लेकिन हम तुलसी के साथ ऐड करती है। खैर, अपना काढ़ा बनाते हैं और इसी के साथ करते हैं आज के दिन का शुरू। मम्मी आज नाश्ते में बना रही है व्हाइट वाला मटर का घुगनी, एक्स्ट्रा बना दो नाम लेके चले जाएंगे। सोचे थे हम 6 बजे उठ के अपने वीडियो का एडिट करके अपलोड कर देंगे और मस्त सो गए थे। तब जब 12 बजे ही सो गए थे, मम्मी को बोले थे मम्मी उठाई, लेकिन जाके फिर 8 बजे दोबारा मम्मी को उठाना पड़ा था। बैठ के हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, एडिट के साथ साथ वीडियो शूट भी कर। पानी के बाद पीते हैं हम लोग काढ़ा। तो चलिए अभी हम लोग ना करते हैं एक्सरसाइज। गाइज मेरे साथ स्कैम हो गया गाइज, अगर आप लोग भी तरबूज लेते हो तो टकवा के लिया करो, इस तरह से कटवा के मत। काट के हमको लाल लाल दिखाया, हम मजे में ले लिए। हमको पता नहीं अंदर से ना डाउट हो रहा था कहीं ऐसा ना निकल जाए, पता ये निकल ही गया। ये तो कितना पसंद है हमको तरबूज, बस उठा के लाने के से लाते नहीं है कभी। लाए थे शौक से भी खराब निकल गए, पिंकी पिंकी निकल गए। चलो यही चलेगा, उसका बिच्चा तक काला नहीं हुआ अभी। तो आज का मेरा प्री ब्रेकफास्ट तरबूज और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। मम्मा के आंखों में देने वाले हम दवाई। चश्मा लगा के रहती तो हो नहीं मम्मी। स्वामी विक्रम बजरंगी को निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा। गाइस अभी हम आ गए दुकान पे, पापा दादी को नाश्ता करने के लिए भेज दिए और पता नहीं छींक कहां से आ रहा है। हम सोचे क्या सुबह सुबह उठ के आज अपने रूम में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, लेकिन हुआ ही होते सुबह उठ के सोचे कि ब्रश कर लेते हैं उसके बाद वो काम करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सारा काम सुबह से लेके अभी तक का करते करते देखते 10:30 बज चुका है। तब यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद फिर हम दुकान बोलते हैं रूम में पोछा लगाएंगे और झाड़ू लगाएंगे। देखे सतवा हुआ मेरा अकेले आ गया, पापा इसको लेने के लिए गया, बोलता पापा गए हमको लेने का, पापा को लेट हो गया 10 मिनट लेट हो गया। कितना हो गया रे लाल लाल, अब तुरंत पानी नहीं पिएगा जाओ। मेरे पापा का एक सीन है कि वो ना फोन को अपना कैरी करते नहीं है। अभी पापा को हम कॉल करके बोल भी नहीं सकते थे कि सत्यम घर पे आ चुका है और ना मेरे पास गार्डन का नंबर है। तो अभी पापा वहाँ से कॉल कर रहे हैं, उनके ही नंबर से कॉल कर रहे हैं कि सत्यम घर आ गया, क्योंकि हमको पता ही था वहाँ पापा इधर उधर कर रहे होंगे। अब किसको कॉल करें समझ में नहीं आ रहा था, सर को भी कॉल करते पता नहीं आज लग ही नहीं रहा था कॉल। खैर पापा से बात हो गया, अभी आएंगे तो सत्यम सुनेगा टाट बोल के उसको एटलीस्ट आए थे ना वहाँ कोई भी। अब वो भी परेशान हो गए ना कि कहाँ चला गया कहाँ चला गया। तो 12 बजे हमको दुकान से आने में, ये है जिसमें है घुगनी मूढ़ी एंड साथ में मछली का फ्राई। ऑफिस में काम को स्टार्ट करने से पहले दवाई को स्टार्ट किया, इतना सारा दवाई है ना सारे को खा ले। दवाई तो हम टाइम पे खा लेते हैं बट मेरा आंख का टस से मस नहीं हो रहा है। खैर मेरा एक डायरी आया, मेरा जो वाला ब्लैक वाला डायरी नानी क्या छूट गया था, तो हम यहाँ दूसरा डायरी ले चुके, वैसे भी वो फुल हो चुका था। चलिए देखते हैं कि कैसा है, वैसे तो सेम ही है, सेम जैसा वो था ना तो डायरी है। तो चलिए, पता है डायरी नहीं था ना तो कोई भी काम ना मेरा टाइम पे हो नहीं पा रहा, मतलब टाइम पे नहीं लाइक होता है ना कि जितना भी काम था ना सारा हम भूल जा रहे थे। तो अब इसमें मस्त लिख के रखेंगे जो जो करना है जैसे जैसे करना है और सारे को करेंगे। गाइस बज गया 4 और अभी हम लोग निकल गए, हमारे साथ देखिए भैया लोग भी हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों को सुबह हम बोल रहे थे ना वो एक इन्फ्लुएंसर मीट है, तो बस इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। चलिए चलते हैं, पता नहीं यार धूप को लेके जो है ना फोन के साथ साथ मेरा कैमरा भी पागल हो जाता है, सटक जाता है गर्मी में दिमाग सबका। तो गाइस यहाँ एक मिरर है जहाँ की आप लोग अपने शक्ल को निहार सकते हो। तुम क्यों निहार रहे हो, तुम रहने दो, ये सब तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस हम लोग तो सबको पहुँच चुके हैं और भी कुछ इन्फ्लुएंसर है जो कि आने वाले हैं और अभी भैया लोग उधर है, फिलहाल इधर लैपटॉप वगैरह सब कुछ खुल चुका है। और देखिए एक हीरोइन आती है, कितना मेकअप की है, कुछ मेकअप नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया, पानी ला तो पानी ला तो सही में फेस पर कुछ नहीं लगाया, सुंदर लग रही है हीरोइन लग रही है। अच्छा मेरा एक्सपोजर बढ़ा हुआ है इसलिए सब सुंदर लग रही। हेलो हेलो, ये एक ऐसे इंसान है जो आज तक चाय कभी नहीं पी है, बस इसको ना हम लोग मिलके कन्विंस करेंगे, एक बस एक सिर्फ चाय पी ली, एक बार नशा लग जाएगा ना उसको चाय फिर तो बस चाय कोल्ड ड्रिंक हो जाइएगा। चलिए तो अभी हम लोगों का हो गया सारा कुछ, अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तीन लड़की है, तीन इन्फ्लुएंसर है, तीनों एक मीटिंग में थी। हाय गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। अच्छा क्या गाल में क्या हुआ बताओ, गाल पे इसको लंबाई क्या लेना यार, अभी हम लिए अभी क्या लेना या नहीं, नहीं थोड़ी देर में लेंगे, एक और आ रहे हैं।
सुबह में घर पे जो चाट बनाता ना, मम्मी बोली उसमें वो मिक्स खलीफा बाग में जो चाट नहीं मिलता वैसा वाला बनाने, काफी टाइम से नहीं बनाया घर में। तो अभी हम शिमला मिर्ची ले लिए और उसके साथ धनिया पत्ता ले लिए, 52 रुपए। भैया बोले हरा वाला मिर्ची डाल देते, बोले मिर्ची मत डाल, मेरे घर में डेरी है, तो 2 रुपए का हमको 2 टमाटर मिला। खैर चलिए अभी चलते हैं घर और बनाते हैं चाट, 6 बज चुका है। गाइस जी तुमको कौन सुखमारी चढ़ा है? तो गाइस हम भी आ गए घर, कितना ज्यादा एक्सपोजर बढ़ा हुआ मेरे फोन का, कुछ ज्यादा ही नहीं गोरे दिख रहे हैं, इतने गोरे नहीं है गाइस। आज पता है काफी टाइम के बाद ना हम जींस टॉप पहने थे, थोड़ा ना अपना आदत हो गया ना कुर्ती पहनने का, लग रहा था पता नहीं क्या ही पहन लिया। खैर चलिए अभी बनाते हैं हम लोग चाट एंड उसको चाटते हैं, मतलब खाते हैं। नहीं टिकिया चाट नहीं खाऊंगा मैं, अपना अलग से बना लूंगा। मम्मी का प्लान था यहाँ टिकिया चाट बनाने का, जिसमें कि आलू यहाँ मम्मी सब कुछ करके रख दिए, इधर चाट है एंड साथ में कुछ वेजिटेबल्स। तो हम शिमला मिर्च के थोड़ा कट किए, थोड़ा धनिया पत्ता, क्योंकि हमको ना वो टिकिया चाट से बढ़िया लगता है वो मिक्स्ड वेज वाला चाट। चलिए आप लोग साथ बिल्कुल सिंपल सा रेसिपी शेयर करते हैं, काफी टाइम के बाद हम कोई चीज का रेसिपी शेयर कर रहे हैं ना। तेल गर्म हो गया, उसमें ऐड करते हैं थोड़ा प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ा टमाटर, थोड़ा सा गाजर और इन सारे को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर दिए ये आलू का जो टिक्की था इधर में पक रहा था, दो उसको भी डाल दिए। इसमें अभी हम लोग ऐड कर देंगे चाट, थोड़ा पानी, हल्का सा मसाला भी इसमें ऐड कर दीजिए, मिक्स मसाला और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, और लास्ट में इसमें ऐड कर दिए धनिया पत्ता और बस हमारा चाट बनके तैयार है। देखिए गाइस यहाँ हमारा चाट बनके तैयार है, अभी बारी आता है इसको टेस्ट करने का। दादी क्या कर फ्लाइंग किस दो मेरे सब्सक्राइबर्स है, इनसे तो आपको पहले भी मिलवाए हैं। आपका नाम? वैसे इसका आज हैप्पी बर्थडे है तो बर्थडे विश कर दीजिए आप लोग। तो गाइस रात का बज चुका है 10:30 और हम जल्दी से अपना लंच डिनर करने लगे, जिसमें है रोटी और पनीर का भुजिया अभी हम बनाए, और जल्दी से हम डिनर आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको करने का है साड़ी में पेंटिंग। आज हम सुबह उठ के ही करने वाले थे बट आपको पता है हम सुबह उठने में 8:30 बजा दिए तो आज पेंटिंग हुआ नहीं, बट आज 2 बजे तक जागे या 3 बजे तक जागे, आज उस साड़ी को हमको 99% तक कंप्लीट करना है क्योंकि कल तक हमको उस साड़ी को देना है। पता नहीं हम कैसे देंगे कैसे करेंगे आई डोंट नो बट करना है। चलिए फटाक से अपना डिनर करते हैं। तो पता है हम 10:30 बजे नीचे आए थे, सोचे थे वीडियो एडिट करके मस्त अभी हम बैठ के पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, बज गया 11:30। खैर हम एक बात और आप लोगों को बताना चाह रहे, दिमाग का मेरा ना दही बन चुका है यार, क्या बोले। ऐसे अभी मेरे साथ एक थोड़ा सा सीन बन गया, नाम नहीं लेंगे उसका क्योंकि लफड़ा अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया, मेरा पेमेंट वगैरह आ गया तो हम नाम तो नहीं लेंगे, क्योंकि एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप आर्टिस्ट हो या किसी के साथ आप वर्क कर रहे हो तो उससे एटलीस्ट 50% एडवांस पेमेंट ले लेना, प्लीज ले लेना, नहीं तो ना लास्ट में वो। मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, पेंटिंग में भी पहले हम ऐसा करते थे लेकिन ये वाला आदत को हम सुधारे, हम अपना पेमेंट हम 50% एटलीस्ट ले लेते हैं, भले ही पैसा एडवांस मांगने के टाइम पे आपका वो काम छूट जाए वो मंजूर है, बट जो है ना क्या कहते हैं काम मत लेना, बिना पैसे का काम मत लेना। हम इसी तरह मतलब एक था अभी नोन तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हम उसको जानते थे, हमको लगा कि चलो हम कर देते एडवांस मांगे, तो वो बोला कि वीडियो आने के बाद आपको क्लियर कर देंगे, तो हम भी सोचे कि चलो कोई ना 2 दिन हम वेट किए, बोला पेमेंट 2 दिन के बाद देंगे, हम 2 दिन वेट किए, 2 दिन के बाद कल जाके मेरा पेमेंट आता है, जितना का बात हुआ था उसका लाइक जैसे समझ लो ना जितना कभी बात हुआ था उससे कुछ कम। तो हम जब पूछे कि इतना कम क्यों भेजे आप, तो बोल रहा है क्या कि आपको बस इतना ही मिलेगा, बहुत सारे एक्सक्यूज देने लगे कि नहीं हो पाएगा इससे ज्यादा। हम बोले ये कौन बात हुआ, जब हमारा बात इतना का हुआ तो आपको तो इतना देना पड़ेगा भाई, वो पेमेंट है, इंसान अपने पैसे के लिए इतना मेहनत करता है और तुम लास्ट में ऐसे आके बोल रहे हो। देखो हम तुमको ये सब कहानी छोड़ो, ये सब जो भी हुआ सारा मैटर सॉल्व हो चुका है तो इस मैटर पे बात करके कोई मीनिंग नहीं बनता, बस हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं, ये सजेशन देना चाहते हैं कि अगर आप लोग कोई भी काम करते हो तो उसका एटलीस्ट 50% एडवांस पेमेंट ले लिया करो, ठीक है। हम 10:30 बजे आए थे नीचे और देखते हो बच चुका है 11:30, सोचे बैठ के पेंटिंग करेंगे और यहाँ दिमाग का कचरा हो गया मेरा, तो सोचे कि चलो क्यों ना आप लोगों के साथ ये सब बात भी शेयर किया जाए। अभी साड़ी मेरा ग्रीन कलर का काम देखते हो लगभग कर दिए इधर और इधर थोड़ा सा बच गया। अब हम क्या सोच रहे ना, अभी हम जाते हैं सोने के लिए, कलम सवेरे उठ के कलम उठ जाएंगे, मतलब अलार्म लगा लेते हैं 10:15 को, कल उठ के करेंगे। एक बज चुका है क्योंकि हम सोचे कि अभी 2 घंटा जागने से अच्छा है सवेरे सवेरे थोड़ा जल्दी उठ के उस टाइम 2 घंटा कर लेते ज़्यादा बेटर होगा। चलिए इसके साथ मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 8:30 बजे, ओके बाय।